में चुनाव की तैयारियों के लिए आरएसएस के साथ बीजेपी की बैठक, अमित शाह और योगी मौजूद रहे। लखनऊ में हुई बैठक में बीजेपी के कुछ सदस्यों ने कानून बनाकर राम मंदिर के निर्माण की मांग की। लखनऊ में संघ और बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक के बाद साथ निकले अमित शाह और सीएम योगी। ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार चालक की पिटाई की। बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा जल्द होने की उम्मीद, चर्चा है कि बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीट पर लड़ेगी। बिहार में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर एलजेपी ने सवाल उठाए, पशुपति पारस ने कहा 7 से कम का सवाल नहीं। कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के प्रवक्ता माधव आनंद ने कहा सीट बंटवारे की जो चर्चा चल रही है वो अफवाह है। राजस्थान के झालावाड़ में राहुल गांधी ने रोड शो किया, पहले सफारी गाड़ी फिर बस पर हुए सवार। छत्तीसगढ़ में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी पर रमन सिंह ने कहा कोई गुस्सा नहीं, हम सब साथ हैं। एमपी में कांग्रेस की प्रचारक रही साध्वी प्रियंका भारती ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एमपी के झाबुआ में बोली अभिनेत्री रिमी सेन, यौन शोषण के खिलाफ अभियान से डरेंगे लोग। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा कि बीजेपी के लिए मैं आइटम गर्ल, विधानसभा चुनाव मेरे नाम पर जीता, अब लोकसभा जीतना चाहती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मथुरा के गिरिराज पर्वत पर बने मंदिर को हटाने का निर्देश दिया। एआईएडीएमके के 18 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आज मद्रास हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में नियंत्रण रेखा का दौरा किया। हैदराबाद में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज। लखनऊ में कैंट में लोगों को सेना की भर्ती के नाम पर ठगने वाला फर्जी लेफ्टिनेंट गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के मड़ियाव में चोरी का आरोपी 1,70,000 रुपए के साथ गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में महिला वकील पर नशे में गाड़ियों को टक्कर मारने का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। दारोगा पिटाई कांड से चर्चा में आई महिला वकील ने हिरासत में मेरठ के पुलिस थाने में हंगामा किया। बिहार के रोहतास में प्रेमी प्रेमिका को साथ देखकर भड़के लड़की के परिवार वालों ने लड़के को पीटा। शादी से इनकार करने पर लड़के को लड़की के परिवार वालों ने रोहतास पुलिस को सौंप दिया। बिहार के औरंगाबाद में प्रेमी युगल की सरेआम पिटाई का वीडियो वायरल। औरंगाबाद में दरिंदगी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा किया। बिहार के पटना में बीए के छात्र को गोली मारी, हालत नाजुक। गुजरात के अहमदाबाद हत्या के आरोपी की हत्या, भाई की मौत का बदला लेने के लिए कत्ल। पंजाब के लुधियाना में ज्वेलर से ठगी, दंपत्ति ने नकली नोट के बदले सोना खरीदा। एमपी के झाबुआ में महिला का वजन ज्यादा होने पर पति ने दिया 3 तलाक, शिकायत के बाद गिरफ्तार। हिमाचल की पहाड़ियों में पिछले 5 दिनों से लापता स्पेनिश नागरिक को रेस्क्यू किया गया। इलाहाबाद के उतराव में खाई में गिरने के बाद कार में लगी आग, एक शख्स की मौत। गुजरात के गीर के जंगलों से वीडियो वायरल, वीडियो में एक युवक मुर्गा हाथ में पकड़कर शेरनी को ललचाता नजर आ रहा है। इससे पहले भी गीर के जंगलों से शेरों को परेशान करने का वीडियो सामने आ चुका है। गुजरात के डायमंड किंग्स सावजी ढोलकिया दिवाली पर 600 कर्मचारियों को बोनस में कार देंगे। पहले भी सावजी भाई ढोलकिया अपने कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट देने के लिए चर्चा में रह चुके हैं। यूपी के आगरा में शरद पूर्णिमा के मौके पर ताजमहल देखने पहुंचे सैकड़ों पर्यटक। उत्तराखंड के सतोपंथ में सीजन की पहली बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना, 6 इंच तक जमी बर्फ। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।